गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। इस क्यूज एरिना में इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट कुड बी आस्क इन वेरियस एग्जामिनेशन विच आर वी प्रिपेयरिंग। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डेलिंग एनी टाइम। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉकिंग हिंदी और इंग्लिश बोथ, सो लेट्स इंजॉय दिस वीडियो। First question on this video, for your kind information, I am going to describe Hindi or English both. So don't worry, listen carefully. आपके लिए 10 सेकेंड का समय रहेगा प्रश्न पढ़ने के बाद। First question, consider the following statement. Section 4 of RTI Act 2005 requires suo moto, disclosure of information by each public authority. क्या 2005 RTI Act सेक्शन 4 के तहत इंफॉर्मेशनल जो पब्लिक अथॉरिटी होते हैं उन्हें इंफॉर्मेशन को स्वतः ही डिस्क्लोज करना जरूरी है? सेकेंड ऑप्शन, RTI Act 2005 के तहत अपॉइंटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल जरूरी है। तो आपके ऑप्शन रहे ये इस प्रकार, समय शुरू होता है अब, समथिंग टूल्स, ओके। तो इसका सही जवाब है बोथ आर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं विद द रेफरेंस ऑफ स्वामित्व स्कीम। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, क्या यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट के तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल पंचायती और रूरल डेवलपमेंट के तहत, और दूसरा ये क्या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है? दोनों बातें समझने बाती है। और दूसरा है कि अंडर द स्कीम द प्रॉपर्टी कार्ड फॉर एवरी प्रॉपर्टी इन विलेज विल बी प्रिपेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट यूजिंग एक्यूरेट मेजरमेंट डिलीवर्ड बाय ड्रोन मैपिंग। क्या ये ड्रोन मैपिंग के तहत होगा? दो बातें इसमें समझने योग्य है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, दूसरा क्या ये एवरी प्रॉपर्टीज विलेज से जुड़ा हुआ है? तो आपको इस पर ध्यान देना होगा और इसका सही जवाब आप दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब आप लोगों ने ढूंढ लिया होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है डी, नाइदर वन नोर टू, क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है बल्कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और ये पूरे भारत के लिए नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। बीटेन और ब्रोकन, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम बीटेन और ब्रोकन, इनफॉर्मिलिटी एंड COVID-19 इन साउथ एशिया रिपोर्टेड हैज़ बीन रिलीज बाय विच ऑफ द फ्लोइंग। थोड़ा सा गड़बड़ी होने के कारण चलिए, बीटेन और ब्रोकन ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा रिलीज किया गया है ये रिपोर्ट? तो क्या ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक? इसका सही जवाब है वर्ल्ड बैंक। चौथे प्रश्न में, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट फेलुडा टेस्ट चर्चा में था, क्या ये 100% एक्यूरेट है एंड लो कॉस्ट पेपर बेस्ट स्ट्रिप टू डिटेक्ट COVID-19 लेस देन 1 आवर? क्या इसको अप्रूव्ड किया गया है कॉमर्शियल लॉन्च के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा? और इट यूजेस इंडिजिनली डेवलप्ड बाय CRISPR जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं और इसका सही जवाब है, सबसे पहली बात, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, सो ए एंड डी आर एलिमिनेटेड। नाउ 4th
फोर्थ इज द राइट आंसर फॉर, इसका सही जवाब है 2 और 3, आई मीन सी। ब्लू फ्लैग प्रोग्राम फॉर बीचेज एंड मैराइन्स मेरियंस इज रन बाय द वेटलैंड्स इंटरनेशनल। देर आर मोर देन 65 क्राइटेरिया दैट मस्ट बी मेट टू क्वालिफाई फॉर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। 65 से अधिक क्राइटेरिया का इसमें निर्धारण किया गया है किसी को भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रमाणित करने के पहले। और दूसरा, क्या इसे वेटलैंड इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है? तो दिए गए दोनों कथन आपको पता होंगे सही है या गलत। तो इसका जवाब है डी, इनमें से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि आपको कमेंट सेक्शन में लिख भेजना है कि ब्लू फ्लैग प्रोग्राम किसके द्वारा रन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द रेफरेंस टू सकल इंटरनेशनल एशिया एरिया कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। क्या यह दुनिया का लार्जेस्ट ग्लोबल नेटवर्क जो कि टूरिज्म प्रोफेशनल को प्रमोट करता है, बिजनेस को और फ्रेंडशिप वर्ल्ड वाइड, दूसरा है इट इज एन अफिलेटेड मेंबर ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO। तो दिए गए छठे सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास समय शुरू होता है अब, और आपका सही जवाब है सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट कैंपेन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या ये एंटी डेंगू कैंपेन है, एंटी मलेरिया कैंपेन है, हेल्थ अवेयरनेस एंड ट्रांजिशन टुवार्ड्स क्लीन कुकिंग, और डी प्रमोशन ऑफ सैनिटेशन एंड हाइजीन। समय शुरू होता है अब, और आपके लिए इसका सही जवाब है ए, एंटी डेंगू कैंपेन। आठवां प्रश्न, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट हर घर जल स्टेट कंट्री प्रोवाइडिंग टैप वाटर कनेक्शन टू द एवरी रूरल हाउस होल्ड। ए इज द हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, गोवा। सही जवाब गोवा इज द राइट आंसर। नौवें प्रश्न, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच ऑफ द फ्लोइंग वुड बी कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ इट्स सोशल कैपिटल। दैट कुड बी, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है UPSC के एक प्रश्न में, तो इसका सही जवाब आप लोगों को मालूम होगा, दैट्स इज द लेबल ऑफ द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हारमोनी एंड हारमोनी इन द सोसाइटी को हम लोग कहते हैं सोशल कैपिटल। और फाइनली अंतिम सवाल इस सीरीज का, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स विच एज प्रपोज फॉर द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन स्टेट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कोवालम, तमिलनाडु, बंगारम, केरला, भगोवा, महाराष्ट्र और उसीकोंडा, आंध्र प्रदेश। समय शुरू होता है अब, तो इसका सही जवाब है बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि बंगारम बीच जो है केरला में नहीं बल्कि ये लक्षद्वीप यानी लक्षद्वीप में है। इस सीरीज की दूसरी श्रृंखला, पहला सवाल, विद द रेफरेंस टू द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। क्या ADB में 80 से ज़्यादा सदस्य हैं? इंडिया क्या इसका सबसे बड़ा लार्जेस्ट शेयर होल्डर है? और ADB डज नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड एशिया। ध्यान रहे, दिस इज आस्किंग नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें से सही नहीं है। समय शुरू होता है अब, तो आपका सही जवाब है डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। सेकंड प्रश्न, विद द रेफरेंस टू द संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए SCO के संबंध में। SCO क्या एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है? करंटली में SCO के 10 मेंबर हैं
विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा दिया गया कथन सही है, आपको बताना है सही है। तो आपको पता होगा कि एस सी ओ में ये जो 10 मेंबर है वो स्टेटमेंट सही नहीं है बल्कि गलत है, इसलिए इसका सही जवाब केवल और केवल ए, एस सी ओ इज ए परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड प्रश्न, विद द रेफरेंस टू द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज ए ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉच डॉग। सेकेंड, एज द पॉलिसी मेकिंग बॉडी एफ ए टी एफ वर्क्स टू जनरेट द नेसेसरी पॉलिटिकल विल टू ब्रिंग अबाउट नेशनल लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स इन द एरिया ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। और फाइनली, एफ ए टी एफ मोनिटर कंट्रीज टू इंश्योर दे इम्प्लीमेंट एफ ए टी एफ स्टैंडर्ड्स फुल्ली एंड इफेक्टिवली एंड होल्ड्स द कंट्रीज टू अकाउंट दैट डू नॉट कंप्लाई, विच इज़ द राइट आंसर, ऑप्शंस आर हियर। दिए गए सारे कथन सही हैं, ए वन टू एंड थ्री आर ऑल आर राइट्स। विद द रेफरेंस टू द एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग ए पी जी कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, ए पी जी वॉज फाउंडेड इन 1997 इन बैंकॉक थाईलैंड, करेंटली ए पी जी कंसिस्ट ऑफ मोर देन 75 मेंबर्स जुडिक्शन इन एशिया पैसिफिक रीजन, एंड फाइनली जुडिक्शन दैट जॉइंस द ए पी जी इधर एज द मेंबर और द ऑब्जर्वर कमिट टू रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो वर्तमान में इसके 75 मेंबर जुडिक्शन में नहीं है, इसलिए इसका सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, दो गलत है, तो ये ख़त्म हो गया, इसलिए इसका आंसर है सी इज़ द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जे सी पोआ इज समटाइम मेंशन इन न्यूज़, वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट डब्ल्यू टी आई, इजराइल यूनाइटेड अरब एमिरात पीस एग्रीमेंट, अब्राहम एकॉर्ड्स, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड फाइनली डी ईरान न्यूक्लियर डील। दिस इज़ वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन, सो द राइट आंसर इज डी, ईरान न्यूक्लियर डील। क्वेश्चन इस प्रकार जीएसटी से संबंधित है कि कौन कौन सा टैक्स जीएसटी के अंदर समाहित हो चुका है। स्टैम्प ड्यूटी, ध्यान रहे नोट समाहित, इसमें समाहित नहीं हुआ है, यानी जीएसटी के अंदर नहीं आता है। स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, बेसिक कस्टम ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ऑप्शन आर हियर। 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4 and 1, 2, 3, 4 एंड समय, स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, बेसिक कस्टम ड्यूटी, एंटी डंपिंग, क्या ये जीएसटी के अंदर समाहित सम्मिलित हैं? तो इसका सही जवाब है नहीं सम्मिलित हैं, डी इज़ द राइट आंसर, 1, 2, 3 and 4 ऑल आर नॉट मेंशन्ड इन जीएसटी। थर्ड सेवन्थ क्वेश्चन, लाइन ऑफ क्रेडिट समटाइम मेंशन इन न्यूज़, क्या ये सॉफ्ट लोन है, ग्रांट है, एफडीआई है, और ए और बी दोनों है? तो निश्चित रूप से इसका सही जवाब है ए इज़ द राइट आंसर, सॉफ्ट लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम राष्ट्रीय काम धेनु आयोग, क्या इसे नीति आयोग के द्वारा बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है? आठवां प्रश्न का आपका जवाब दूसरा, द आयोग इज हाई पावर्ड परमानेंट अपेक्स एडवाइजरी, ये बार बार डिस्टर्ब हो जा रहा है। द आयोग इज अ हाई पावर्ड परमानेंट अपेक्स एडवाइजरी बॉडी, तो इसका सही जवाब है ओनली एंड ओनली टू इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नाइन्थ,
ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर 2000 से 2019 रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज बाय विच ऑफ द फ्लोइंग यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ फॉर नेचर एंड नन ऑफ द एबव नाइन्थ का इसका सही जवाब है नन ऑफ द एबव इनमें से कोई सही नहीं है। और फाइनली टेंथ प्रश्न है गौस्तवा कवच ये कवच से आपको याद होगा कि इंडिया का लाइटेस्ट ब्लू प्रूफ जैकेट है क्या और इट इज पावर्ड विथ नैनो टेक्नोलॉजी फ्रॉम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एंड हैज़ 5 ईयर वारंटी तो ये बहुत ही डी इज द राइट आंसर नाइदर वन नोर टू। इस प्रश्न की अगली सीरीज 10 प्रश्न का अगला सीरीज इस प्रकार है चलिए लेट्स स्टार्ट। इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 इम्पावर्स द इलेक्शन कमीशन टू रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट सिंबल्स। इलेक्शन कमीशन को क्या राजनीतिक पार्टियों को रिकॉग्नाइज करना उन्हें सिंबल प्रदान करने की शक्ति पावर दी गई है 1968 के तहत। क्या सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल अथॉरिटी है जो डिसाइड करता है कि कौन सा पार्टी किस में मर्ज होगा किस में मर्ज नहीं होगा तो आपके ऑप्शंस हैं इस प्रकार और समय इज़ द राइट आंसर आपके साथ ओनली एंड ओनली वन इज़ द राइट आंसर बिकॉज यू नो अबाउट दैट इलेक्शन कमीशन ही रिकॉग्नाइज करता है कि कोई पार्टी किस में मर्ज होगा मर्ज मान्य है या नहीं है इसलिए वो ये जो बी है वो रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट FRBM रिव्यू कमिटी रिपोर्ट्स हैज़ रिकमेंडेड ए डेप्ट टू GDP रेशियो ऑफ 60% फॉर द जनरल कंबाइंड गवर्नमेंट बाय 2023 कंप्राइजिंग 40% फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 20% फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट के तहत ये जो कमेटी है वो बताता है कि क्या ये जो टोटल जो GDP का जो टोटल ऋण है भारत सरकार का और राज्य सरकार का जो कि क्या 40% राज्य सरकार का है केंद्र सरकार का है और 20% राज्य सरकार का है तो आपको पता होगा दिया गया पहला स्टेटमेंट इज़ द राइट आंसर और नॉट आंसर आपको बताना है। सेकेंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डोमेस्टिक लाइबिलिटीज़ ऑफ 21% ऑफ GDP एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द 49% ऑफ GDP ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट है कि जो डोमेस्टिक लाइबिलिटीज़ है वो भारत सरकार का 21% है GDP का और 49% है स्टेट गवर्नमेंट का GDP का कि ये दिया स्टेटमेंट सही है। और फाइनली क्या संविधान के तहत इट इज़ मैंडेटरी फॉर ए स्टेट टू टेक द सेंट्रल गवर्नमेंट्स कंसेंट फॉर रेजिंग एनी लोन इफ़ द फॉर्मर ओज एनी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज टू द लेटर। क्या संविधान के अनुसार किसी भी राज्य सरकार को लोन लेने से पहले भारत सरकार से अनुमति लेना अपरिहार्य है यदि राज्य सरकार के द्वारा पहले से लिए गए लोन का चुकाया ना किया गया हो। तो आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं आई थिंक यू नो अबाउट दैट। सेकंड स्टेटमेंट कुछ कंफ्यूजिंग सा है लेकिन इसका सही जवाब है केवल और केवल सी इज़ द राइट आंसर 1 and 3 बिकॉज सेकेंड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग बिकॉज डोमेस्टिक लाइबिलिटीज़ वो केंद्र सरकार का 49% है जबकि राज्य सरकार का 21% है ये फ्लिप कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वन धन स्कीम के बारे में है। वन धन स्कीम क्या मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का फॉरेस्ट का मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का इनिशिएटिव है। दूसरा टेक फॉर ट्राइबल एक इनिशिएटिव है जिसका एम होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है ट्राइबल और ट्राइबल विद द फोकस ऑन मेनस्ट्रीम एजुकेशन। तो आपको इसका आंसर पता चल चुका होगा इसका राइट जवाब है डी इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट गलत है। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के तहत आता है और ट्राइफेड मिलके इस योजना को चला रहे हैं और इसमें टेक फॉर ट्राइबल जो इनिशिएटिव है ये होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल विद द फोकस ऑफ मेनस्ट्रीम एजुकेशन की नहीं बल्कि ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट उनके रोजगार उनके वन धन के जो
जो प्रोडक्ट होते हैं उसका 72 प्रोडक्ट का जो एक महत्वपूर्ण माल जो है उसका कीमत मिल पाए, इस सब चीज़ के लिए है। चलिए अगला प्रश्न है ई विन से। ई विन डेट मीन इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क एक इंडस्ट्रियली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी सिस्टम इन इंडिया। जो इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है, क्या ये स्वदेशी भारत तकनीक है? दूसरा, दिस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर द नेशनल मिशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। चलिए समय शुरू होता है अब और आपके लिए सही जवाब मिल चुका होगा आपको। बोथ आर द राइट स्टेटमेंट, सी इज द राइट। पांचवा प्रश्न बहुत ही सिंपल सवाल है, फ्लाई ऐश से है। फ्लाई ऐश क्या, फ्लाई ऐश में जो कंपोजिशन होता है क्या क्या होता है? क्या सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, अल्मोनियम डाइऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है? तो आपके ऑप्शंस रहे हैं इस प्रकार और समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब आपको मिल चुका होगा, जी हाँ इसका सही जवाब ए है, 1, 2 और 3। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट ए कंपोजिशन ऑफ फ्लाई ऐश। सिक्स क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज मैंडेटरी टू हैव ए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अकॉर्डिंग टू द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत क्लियरेंसेस फ्रॉम द होम मिनिस्ट्री फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू रिसीव फॉरेन फंड्स, विदेश से कोई भी धन अर्जित करना हो तो क्या FCR एक्ट के तहत इसे होम मिनिस्ट्री से मंजूरी लेना जरूरी है? फॉरेन फंडिंग दूसरा ऑप्शन है कि फॉरेन फंडिंग ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज रेगुलेटेड अंडर द FCRA एक्ट एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के तहत रेगुलेटेड किया जाता है, इम्प्लीमेंटेड किया जाता है? तो आपके ऑप्शन हैं इस प्रकार, तो जी हाँ इसका सही जवाब है केवल और केवल 1 इज द राइट आंसर, बिकॉज इट नॉट इम्प्लीमेंट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। यू नो दिस इज नॉट अ मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। आई थिंक यू शुड राइट डाउन इन कॉमेंट सेक्शन विच मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटेड FCRA एक्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, प्लीज राइट डाउन इन कॉमेंट सेक्शन। सेवंथ क्वेश्चन फ्रॉम अमतोगर लेक। ये अमतोगर लेक जो कि सिचुएटेड है, कहाँ सिचुएटेड है ये बताना है आपको, कहाँ स्थित है। क्या ये अक्साई वेस्ट चाइना के अक्साई में है, ईस्ट ऑफ ले में है, नॉर्थ ऑफ गिलगिट में है और नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली में है? तो आपको इसका सही जवाब मिल चुका होगा, जी हाँ इसका सही जवाब ए इज़ द राइट आंसर, वेस्ट ऑफ अक्साई चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्वापोनिक्स। दिए गए स्टेटमेंट को विचार करते हुए बताइए कि क्या एक्वापोनिक्स एक ऐसा इमर्जिंग टेक्निक है जिसके मदद से आप मछली पालन और प्लांट दोनों को एक साथ उगा सकते हैं, एक साथ इसको इंटीग्रेट मैनर में आप कर सकते हैं? दूसरा, मियावाकी एक मेथड है जो कि बहुत ही क्रांतिकारी मेथड है जिसके मदद से आप अर्बन एफॉरेस्टेशन को टर्निंग कर सकते हैं बैकयार्ड इंटू मिनी फॉरेस्ट में, छोटे छोटे मिनी फॉरेस्ट इसके मदद से उगा सकते हैं। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है कि मियावाकी मेथड एक ऐसा क्रांतिकारी मेथड है जिसकी मदद से आप अर्बन एफॉरेस्टेशन जो हुआ है आप उसको वापस छोटे छोटे मिनी फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने बैकयार्ड में। क्या ये सही है? तो दिया गया दोनों स्टेटमेंट इज द राइट आंसर, बोथ 1 और 2 आर द राइट आंसर। और फाइनली नवा प्रश्न है विद द रेफरेंस टू द, ये UPSC के 2020 में आया हुआ प्रश्न अभी हाल ही में जिससे मैं होकर गुजरा। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है, इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क क्या ये केवल 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है? क्या यहाँ पर किसी भी प्रकार का ह्यूमन हैबिटेशन अलाउडेड नहीं है? और क्या इट इज़ वन ऑफ द नेशनल नेचुरल हैबिटेट ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GB का? तो इसका आंसर बिल्कुल जिन्होंने UPSC में भाग लिया उनको तो पता ही होगा, फिर भी इसका आंसर बता देना, जी हाँ ये केवल और केवल 2 स्टेट में फैला हुआ है, ये सही है। लेकिन यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट, देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, ये गलत स्टेटमेंट है। तो आपका 2 इस प्रकार एलिमेंट, ये ख़त्म, तो आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या है, जी हाँ इसका आंसर है सी इज़ द राइट आंसर, 1 और 3। और फाइनली इस सीरीज का अंतिम प्रश्न, ये भी UPSC के 2020 में आया हुआ प्रश्न है प्रीलिम्स में। 36% ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट आर क्लासिफाइड एज
ओवर एक्सप्लॉइटेड या फिर क्रिटिकल बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का कहना है कि 36% इंडिया का डिस्ट्रिक्ट जो है वो पूरी तरह से ओवर एक्सप्लॉइटेड किया जा चुका है पानी को, जल वाटर, इसका जो भूमिगत जल है उसका पूरी तरह से यूटिलाइजेशन हो रहा है 36%। दूसरा है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी वॉज फॉर्म अंडर द एनवायरमेंट एक्ट। क्या सेंट्रल ग्राउंड वाटर एक्ट जो बनाया गया है वो क्या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनाया गया है? और तीसरा, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन इन द वर्ल्ड। क्या भारत विश्व का सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करता है इरीगेशन पर्पज़ के लिए? तो आपके ऑप्शंस रहे इस प्रकार, समय शुरू होता है अब और आपको पता चल चुका होगा UPSC के कैंडिडेट्स हैं, तो इसका सही जवाब है ओनली दो एंड तीन। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। आई ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड सच टाइप ऑफ वीडियोज इन ह्यूज मैनर, देन यू विल एनालाइज एंड थिंक हाउ मच यू टेकिंग टाइम टू गिविंग दिस आंसर। सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कुड बी आस्क इन वेरियस एग्जामिनेशन एंड माई पर्पज इज सिंपल, विदाउट डिस्क्राइबिंग लॉट, सिंपल वे put the question and write the finding answer what is the right or wrong. So thanks a lot for watching this video once again. Goodbye.